केंद्र सरकार ने बजट पारित किया है जिसके विरोध में खरगोन जिले का मंडी व्यापारी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सड़कों पर उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान व्यापारियों ने बजट में किए गए बदलाव के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि GST नियमों को विधिवत सुचारू किया जाए जिससे सशक्त देश का करने में भी अपनी भूमिका अदा कर सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये GST में अभी वर्तमान में कुछ संशोधन हुए हैं, वो संशोधन इतने विसंगतिपूर्ण हैं कि किसी भी स्थिति में वह व्यापार की गति को रोकेंगे। जैसे यदि कोई क्रेता विक्रेता से अपना कोई माल लेता है तो पूरा टैक्स देने के बाद जब तक विक्रेता उसका रिटर्न लोड नहीं करेगा उसको इनपुट रिबेट नहीं दिया जाएगा। जबकि अभी तक ये होता था कि क्रेता जो है वो इनपुट रिबेट ले लेता था। एक तो ये कि जब तक वो नहीं रिटर्न पेश करेगा तब तक उसको इनपुट रिबेट नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि यदि उसने इनपुट रिबेट ले लिया और विक्रेता ने नहीं भरा तो उसकी ID ब्लॉक कर दी जाएगी बगैर कोई बात सुने और बगैर उसको कुछ भी संशोधन का अवसर दिए बगैर। उसी प्रकार से जितनी भी अगर कोई भूल होती है तो डायरेक्ट पेनल्टियां लगाना शुरू कर दी हैं और पेनल्टियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कोई भी भूल के लिए जहाँ तक है कोई अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर के कोई प्रावधान जितने भी थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। यदि कोई CA से भूल हो जाती है तो CA के लाइसेंस समाप्त की भी उन्होंने प्रावधान रखे हैं और ये सब प्रावधान जो है वो व्यापार की गति को रोक रहे हैं। इसलिए आज हम यह ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार को कि आप इस प्रकार के नियम लगाकर GST में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है देश के अंदर कोई 10-20 लोगों ने कोई भूल की हो, उसकी सज़ा 99% ईमानदार व्यापारियों को नहीं दी जाना चाहिए। इसी तारतम्य में हमने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आप? कैलाश अग्रवाल। GST में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, अभी जो आने वाला बजट है अपना वर्ष 2021-22 उसके जो बजट अभी जो घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें GST में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के कारण व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत ज़्यादा तकलीफें आने वाली है। अभी ही GST में 1185 संशोधन कर दिए गए हैं जिस कारण व्यापारी व्यापार कम कर रहा है और कागजी काम मुनिमगिरी ज़्यादा कर रहा है और इस कारण से ही आज हमारे द्वारा मंडी व्यापारी संघ के द्वारा कपास मंडी और अनाज मंडी दोनों की हड़ताल भी की गई है और हमारे द्वारा यहाँ पर कलेक्टर साहब को माननीय नरेंद्र मोदी जी के को ज्ञापित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। इस GST में जहाँ ई वे बिल का 100 किलोमीटर पे 24 घंटे का प्रावधान था उसको 200 किलोमीटर कर दिया गया है 24 घंटे का, जिस कारण से अगर कोई गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है कुछ हो जाती है और 24 घंटे के बाद पहुँचती है तो उसके लिए भी एक सख्त पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अगर हमारे द्वारा मानवीय गलती से गलत लिया जाता है तो उसके लिए व्यापारी मैनेजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अपना सजा का प्रावधान दिया गया है कार्रवाई का, जो कि बहुत गलत है और व्यापार के लिए बहुत घातक है। साथ में ही छोटे व्यापारियों को भी जब त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था की गई है तो फिर आप हर महीने GSTR 2-1 GSTR 3 भी भरवाने का कोई उचित नज़र नहीं आता है और हर महीने उनसे टैक्स भी भराया जा रहा है और इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जिसे कि हमारे कपास में RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एकमात्र एक ऐसा ही प्रोडक्ट है पूरे अपना जींस में कपास जिसपे RCM लिया जाता है और ये RCM कपास खरीदी पर टैक्स लिया जाता है, जिससे कि हमारी कपास व्यापारी की पूंजी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। एक तरफ शासन द्वारा ये मंशा व्यक्त की जाती है कि किसानों को नगद भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाए, दूसरी जगह शासन हमसे भर पल्ले टैक्स RCM के रूप में ले रही है और वो उस कारण से हमारी पूंजी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। फार्म व्यापार किसानों को भी अपना जो है कैश पेमेंट करने में हमें दुविधा आती है। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कपास के काकड़े के लिए भी है कॉटन सीड टैक्स पेड कर रखा है और लेकिन उसका जो बायो प्रोडक्ट खली उसको टैक्स फ्री कर रखा है, जिससे भी हमें टैक्स का भारी नुकसान होता है।
इन सब समस्याओं को लेकर हमारे द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि इन ज्ञापनों को देखकर वो जो समस्या धरातल पर वास्तविक धरातल पर व्यापारियों को होने जा रही उसे दूर करें। और उन्होंने जब GST प्रारंभ किया था उस टाइम रात को 12 बजे जब घंटा बजाया था, जब उन्होंने एक ही बात बोली थी कि GST फॉर्म इतना सरल होगा कि पड़ोस का बच्चा भी GST फॉर्म भर लेगा, लेकिन GST में जिस प्रकार से जटिल प्रक्रिया चालू हो गई है तो व्यापारी तो दूर, अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये GST फॉर्म भरने में और GST ऑडिट कराने में पसीना आ रहा है। हम आदरणीय मोदी जी से ये निवेदन करते हैं कि उनके आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए वो इस GST की नियम को सरल और सीधा बनाएं, जिससे कि व्यापार हम आगे कर सकें और भारत को विश्व गुरु बनाने में व्यापारी अपना सहयोग प्रदान कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।